अवेलेबल करा. सो हर एक सिंपल पैक कंट्रीज है तो उनमें अभी भी पोलियो है, तो इम्पोर्टेशन का चांस जी पूरी दुनिया समझ गए थे पोलियो खत्म, मतलब पूरी कंट्री में रोज मुझे लगभग दो या तीन कंट्रीज है मस पूरे वर्ल्ड में. मैं अब कोयडा का बताऊंगी आपको थोड़ा सा. हर जिले में हो ये अवेयरनेस प्रोग्राम कि लोग खबरदार हो जाए जो ये बीमारियां आजकल फैली हुई है, जो भी फैला हुआ है उससे नजात पाने के लिए. इसकी अहमियत उजागर की कि सच में आप लोगों को आना है, हमारे साथ शाना बशाना काम करना है. ये मैसेज जो हम देते हैं वो लोगों तक पहुंचानी है. मैंने आपको आपसे पहले ही अर्ज किया कि आपका और हमारा एक खास नाता है. आप लोग हम मैं और कम्युनिटी के बीच में ब्रिज की जगह लेते हैं. रहता है गंदा खाने की वजह से. चलिए नेक्स्ट. तो इसलिए हमें आप साफ था होता है वायरस जिम्मेदारी की पानी अपने इलाकों में साफ आपको रखिए. फितरत है कि हम इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, फिर हम उंगली उठाने में बड़े शेर दिल रहते हैं. इसमें यह है कि बड़ी वायरस जो सेंसिटिविटी जो है मैं एंड पे एक दो पॉइंट जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस से अलग प्रोग्राम है. ये जो आज का प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आप लोगों को फील्ड में ये बहुत काम आएगा. अपनी जगहों पे जाकर कि कैसे नहीं आता कोई गेस्ट बॉडी नहीं आता सब ये माइक की नहीं कोई मिनट की नहीं आता या मिनट की बार और इसके हर एक आके रेटिंग इज के उस डॉक्टर फहीम यूनुस के इंफेक्शन जो गाइडलाइंस है जो उसने सेंसिटाइजेशन हम प्लेस में है सफाई का फरदान है फहीम सब मेजर मैं नहीं पढ़ता कॉल हर आयरन लेडी ऑफ आज का जो ये वन डे सैनिटाइजेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, दीज आर द डायरेक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑनरेबल एलजी से डायरेक्शन है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें हम पीआरआईज को इन्वॉल्व करें. लेकिन आज तक कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से इनके साथ कभी बात नहीं हुई. चूँकि कोविड थोड़ा कम हो गया है और हमने देखा सबने कि कोविड में हमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की कम्युनिटी के हवाले से, तो इसलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज़ आज हमने पीआरआईज को इसलिए बुलाया था सो दैट हम भी जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम करने जा रहे हैं उनका पीआरआईज के थ्रू हमारी कॉमन जो कम्युनिटी लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे कि हम इसे बच कैसे सकते हैं और इन केस अगर किसी को कोई बीमारी खुदा न खास्ता लग भी गई, क्योंकि ये कंटेजियस होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी होती है एक बंदे को हो गई अगर एहतियात ना बरती जाए तो पूरी कम्युनिटी को अपनी लपेट में ले सकती है. तो इनके हवाले से हमने कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि हम इस कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी इसका स्प्रेड हम रोक सकें और इन टाइम इसको कंट्रोल करके एक हेल्दी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर सकें. यही मकसद था आज के वर्कशॉप.